खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। गंगा स्नान और गुरु पर्व के अवसर पर राकेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल सेंटर ने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों को निस्वार्थ भंडारा कराया गया। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। वेस्ट सागरपुर में स्थित राकेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल सेंटर पर आपको हर मंगलवार को लोगों का सैलाब देखने को मिलेगा। इसकी वजह ये है कि इस दिन यहाँ गरीबों, बेसहाराओं और जरूरतमंदों की भूख मिटाने का नेक कार्य किया जाता है। राकेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल सेंटर के मालिक राकेश मलिहान अपने भाई सुभाष मलिहान के साथ मिलकर पिछले कई वर्षों से हर मंगलवार को भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। आइए राकेश और सुभाष से जानते हैं कि उन्हें इसकी प्रेरणा कहां से मिली। अगर हम कमाते हैं तो उसका थोड़ा हिस्सा अगर आप दान कर दें तो आपके मन को शांति मिलती है, और वो भी गरीबों के लिए। और बाबा के नाम पे अगर दान किया जाए तो ज्यादा श्रद्धा का विषय है, हिंदुत्व की भावना को बढ़ाने का एक अच्छा दायित्व भी पैदा होता है, जिसको करने का मैं सौभाग्य पाता हूँ और आपके माध्यम से बात मैं लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। सभी दोस्त मित्रगण भाईगण सभी कॉलोनी वासी पूरा सहयोग करते हैं और अच्छे से सहयोग करते हैं और सबका साथ बड़े प्यार से मिलता है और सब मिल बांट करके अच्छे से जो है इसको हम संपूर्ण करते हैं और खूब अच्छे से सहयोग करते हैं सब, और हम अच्छे से भंडारा कर पाते हैं सबको सहयोग से। आपको बता दें, राकेश मलिहान पिछले कई वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल सेंटर चला रहे हैं, जहां एक से एक बेहतर क्वालिटी के मोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामान आसान किश्तों पर मिलते हैं। हर मंगलवार को इनके शोरूम के बाहर भंडारे का आयोजन किया जाता है और लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। सबसे खास बात यह है कि यहां सिर्फ पूरी सब्जी का भंडारा ही नहीं होता, बल्कि हर मंगलवार को एक से एक जायके का लोगों के बीच वितरण किया जाता है। साथ में मिठाइयों का वितरण भी होता है। मिठाइयों में कभी रसमलाई, कभी गुलाब जामुन तो कभी बर्फी का स्वाद देखने को मिलता है। सुभाष मलिहान एक समाज सेवी होने के साथ साथ भाजपा नेता भी हैं। भंडारे में शरीक होने के साथ साथ ये और भी सामाजिक कार्य करते हैं। इनकी शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर मंगलवार को कई लोकप्रिय नेता इनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं। बीते मंगलवार को इनके यहाँ आरएसएस संघ के कई नेताओं के साथ पूर्व निगम पार्षद प्रवीण राजपूत, भाजपा नेता विनय चौहान, समाज सेवी वीरेंद्र सहरावत, निगम पार्षद पूनम जिंदल व अन्य लोग पहुंचे। राकेश मलिहान और सुभाष मलिहान की नेकदिली और दरियादिली को इस एक रिपोर्ट में तो बयां करना मुश्किल है, लेकिन उनके इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा हर कोई करता है। आपने मंदिरों में, मस्जिदों में और गुरुद्वारों में ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो गरीबों के बीच मिठाइयाँ, कपड़े और खाना बांटते हैं, लेकिन हमारे समाज में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो रूटीन से लोगों की भूख को मिटाने का काम करते हैं, और राकेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल सेंटर इनमें से एक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।